सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको उसके 12 आयत में लिखा कि मैंने तुम्हें विश्वासी होकर समझाया है। आमीन। और ये बड़ी बात है क्योंकि बच्चा लिखा तुम्हारा विश्वास रेत के किनके जितना भी होगा तो पहाड़ को बोलोगे ठहर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत तो छोटी हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं उनको समझे। हिजकिया राजा इसराइलियों का राजा था, उन लोगों का राजा था जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करने वाले थे, यहोवा पे विश्वास करने वाले। अब वो उनके सामने राजा था और शूर देश का जो राजा था उसने हमला करना था उसके ऊपर। हालेलुया। हिजकिया राजा की जो सैनिक थे, जो उसकी टीम थी, उसकी पावर उनकी कम थी, उसके पास कम सैनिक थे और जो शूर देश का राजा था उसके पास उससे 3 गुना ज्यादा सैनिक थे। हालेलुया। अगर शूर देश के राजा के पास 3 लाख सैनिक है, हालेलुया, तो हिजकिया के जो सैनिक है वो 1 लाख हो गए सिर्फ। शूर देश ने उसको बोल दिया कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मेरे आगे झुक जा, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारे राज्य में जितनी लड़कियां उनको भी खत्म कर दूंगा, जितने लड़के उनको भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारी सैनिकों में भी मैं कब्जा कर लूंगा, तुम्हारा राज्य खत्म कर दूंगा, नहीं तुम्हारे आगे झुक जाओ। वो कौन सा टाइम था? परीक्षा का टाइम था। हालेलुया। राजा के ऊपर भी परीक्षा आई और राजा ने सिर्फ एक बात बोली, बोल रहा मैं यहोवा के सिवा और किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। पर उसने एक बात बोली, बोल रहा उसके पास ज्यादा सैनिक है, वो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। कह रहा है मेरे पास सैनिक कम है पर मैं सैनिकों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, मनुष्य पे विश्वास ही नहीं करता, चाहे ज्यादा होते फिर भी विश्वास नहीं करता। कह रहा है मेरी ताकत उससे बड़ी है क्योंकि मैं यहोवा के ऊपर विश्वास करता। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया। जब परखना लगे विश्वास तो उसको आनंद समझो, ये नहीं नाराज होकर घर ही बैठ जाओ। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। आमीन। ये नहीं जिस दिन टेस्टी मिलेगी उस दिन आनंद समझ लिया। हालेलुया। और जिस दिन चावल कम पड़ गए उस दिन गुस्सा कर लिया, प्रभु तू है ही नहीं मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। किसी दिन किसी गवांटी में बोल दिया तेरे पास पैसा नहीं है उस दिन गुस्से हो गए, तुम्हारी गवाही स्वर्ग का परमेश्वर देगा, स्वर्ग से इंसान भी दे सकता है। हालेलुया। तुम किसी इंसान से क्यों गिर गए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ वहां पे, सुनो क्या हुआ वहां पे। इसराइल का राजा खड़ा और जो उसने क्या बोला, उसके सैनिकों ने उसको बोल दिया कह रहे उसको पैसा दे दे, कह रहे उसको पैसा दे दे, जितना पैसा मांगता है दे दे, अपना सारा गोल्ड उसको दे दे, राजा को दे दे, वो तेरे कर्मचारियों को माफ कर देगा, जो तेरी प्रजा को माफ कर देगा। कह रहे जा मैं देता हूं, कह रहे तुम बोल रहे हो मैंने दे दिया, उसने दे दिया सर। फिर भी राजा ने क्या बोला, शूर के राजा ने क्या बोला, कह रहा मैं जानवर हूं जो तुम मुझे पैसे से खरीद लोगे, मैं कह रहा मैं पैसे भी लूंगा खत्म भी करूंगा। उसने बोल दिया, फिर उसने बोला, हिजकिया ने फिर बोला, कह रहा बोल रहा तुमने बोला था मैंने दिया, पर बोल रहा मुझे पता है ये पैसा नहीं, जिताने वाला मेरा यहोवा जो मेरे को जिता है। हालेलुया। सारा खत्म हो गया, उसकी मनी उसकी खत्म हो गई। राजा की, राजा की पावर क्या होती है, मनी या उसके सैनिक, दो पावर होती है उसके पास। उसकी मनी खत्म होगी, सैनिक उसके पास पहले ही आधे से भी कम है।
पर फिर भी उसने कहा बोल रहा है मैं डरूंगा नहीं। वहां पर क्या हुआ, शूर रे जो राज्य का जो राजा है, देश का जो राजा है, वो आ गया अपने सैनिकों के साथ। 1,85,000 1,85,000 सैनिकों के साथ आ गया। और पहले युद्ध कैसे होता था कि राजे को महल को घेराबंदी की जाती थी दूसरे राजे के द्वारा, काफी दिनों तक सालों तक घेराबंदी की जाती थी, उसको उसके तक संदेश पहुंचाए जाते थे कि हार मान ले नहीं तो हम तुझे खत्म कर देंगे, उसको डराया जाता था अपने सैनिक के साथ। और राजा ने क्या बोला, वोल्डर खड़े होते थे इधर खड़े रहना, मैं हार नहीं मानूंगा। सो क्या हुआ उस टाइम, क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, क्या बोला, शूर जो राजा का, जो राजा था उसने बोल दिया, संदेश पहुंचाया, कह रहा है उनको जाके संदेश देकर आ, तेरा यहोवा मुझे नहीं कह सकता। हालेलुया, सुनो, उसने प्रार्थना की दोबारा। हालेलुया, उसने जब प्रार्थना की, मैं आपको बता रहा हूँ, हिजकिया राजा ने प्रार्थना की, बोल रहा है यहोवा कह रहा है परमेश्वर मुझे तुझ पे विश्वास है, अभी तू मेरे को बचा। उसने क्या बोला, यहोवा ने क्या बोला, हालेलुया, भविष्य वक्ता के द्वारा बोल दिया, बोल रहा है सुन, हिजकिया राजा ने बोल दिया, कह रहा है सुन मैं तेरे को बता रहा हूँ, कह रहा मैं तेरे को प्रोफेसाई बता रहा हूँ, कह रहा मैं तेरे को भविष्यवाणी बता रहा हूँ, कह रहा है 1,85,000 सैनिक है यहाँ पर, कह रहा है तेरे से ज्यादा है, बोल रहा है पर ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, डरना मत, बोल रहा है ये जो कुछ मेरे खिलाफ बोल रहा है मैंने सुन लिया है, कह रहा तेरे खिलाफ तू बोल रहा, मेरे खिलाफ बोल रहा है और तू मेरे साथ बना हुआ है, इसलिए तूने मेरी खिलाफियत नहीं की उसके साथ मिलके, कह रहा मैंने ये भी देख लिया, पर बोल रहा है देख, कह रहा भरोसा, कह रहा मैं एक वार करने के लिए जा रहा हूँ, कह रहा मैं इनके ऊपर एक वार करने के लिए जा रहा हूँ, कह रहा ये राजा जिंदा रहेगा, डर जाएगा और भाग जाएगा। सुनो क्या हुआ, रात को क्या हुआ, स्वर्ग दूत परमेश्वर का आसमान में, एक स्वर्ग दूत आया आसमान में आया, उसे एक बार किया, सिर्फ एक बार किया, 1,85,000 से खत्म हो गए। हालेलुया, शूर देश का राजा सुबह उठा, जब वो गुस्से में आ गया, बोल रहा है मेरे सैनिक कहाँ है, मुझे पानी देने नहीं है, मुझे उठाने नहीं आया, आवाजी लगा रहा, बोल रहा कहाँ है तुम, जब उसने बाहर आके देखा सभी मर चुके हैं। हालेलुया, और कौन जागा हुआ था, एक गवाह जागा हुआ था, एक गवाह, उसका गवाह पहरेदार जागा हुआ था, उसने पहरेदार से पूछा कैसे मर गए सभी, पहरेदार ने बोला सारी रात मैंने पहरा दिया है, कोई नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई इंसान नहीं आया, मुझे पता नहीं कब मरे हैं, कौन से टाइम में मरे मेरे को पता नहीं, बच्चे ने लिखा जब यहोवा तुम्हारे साथ है तुम हारोगे नहीं कभी। हालेलुया, परमेश्वर के साथ एक बन रहो, परीक्षाओं में एक बन रहो, उसका एक बार अपने सारे शत्रुओं को खत्म करो। हालेलुया, आमीन, आमीन। सिर्फ एक बार है, शैतान के 1,85,000 बार होंगे, पर परमेश्वर का एक बार ही उसके ऊपर भारी। उसने क्या बोला, शूर देश का राजा ने क्या बोला, डर गया, भाग गया, अकेला क्या कर सकता था, 1,85,000 सेना एक रात में खत्म हुई। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दानियल के ऊपर परीक्षा आई, राजा ने उसको बोल दिया, बोल रहा है तेरे को शेरों की गुफा में डाला जाएगा। दानियल ने उस टाइम ये नहीं बोला परमेश्वर क्या तू मुझे बचाएगा, बोलना नहीं उसने, परमेश्वर बोल रहा है जो बोलते हो उसको तुम समझते नहीं, उसने अपने विश्वास को दिखाया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आज भी मैं डरता तुझसे, आज भी मैं तो पापी हूं, मैं तुझे मौका नहीं दे सकता, आज भी मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने पापों की क्षमा मांगूं, अगर मैंने कल खत्म भी होना है तो अनंत जीवन को प्राप्त करूं मैं। हालेलुया, आमीन। अगले दिन जब वो गया शेरों की गुफा में उसको डाला गया। हालेलुया, चलो अगले दिन, उससे अगले दिन राजा जब आया, बोल रहा कह रहा है, राजा ने आकर देखा, कह रहा है राजे को, उसने नहीं बोला था राजा मेरे को चाहे डाल दे मैं जिंदा रहूंगा, नहीं बोला था, पर उसने जब राजा ने अगले दिन आके देखा अंदर से गुफा में से आवाज आई, दानियल ने बोला मेरे परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया। सुनो, हालेलुया, सुनो, आपको कहने की जरूरत नहीं किसी को, जब आप बचोगे ना सबके सामने। राजा ने क्या बोला, राजा ने क्या बोला, कह रहा राजा खड़ा रहा, ये उस सवाल का जवाब है जब हम चुग लिया करते, राजा खड़ा रहा। राजे ने अगले दिन क्या बोला, कह रहा है अगले दिन गया राजा देखने के लिए, गया कि दानियल को उसके परमेश्वर ने बचाया है या नहीं। हालेलुया, क्योंकि दानियल बोलता था, हमेशा बोलता था मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा,
उसने दानियल ने उसको नहीं बोला था कि अगले दिन आके मेरे को देखना, पर वो अपने लोग आपको देखेंगे आप प्राप्त कर पा रहे हो परमेश्वर से या नहीं, नोटिस किया जाएगा। और जब वो राजा देखने के लिए आया, बहुत सारे लोगों को उससे पहले भी शेरों की माल में देखा गया था, पर राजा किसी को देखने के लिए नहीं गया। और जब राजा ने देख लिया और दानियल को बाहर निकाला गया, सुनो राजा ने एक बात का ऐलान किया वहां पे, जो आप चाहते हो वही ऐलान किया। क्या बोला राजा ने, बोल दिया आज के बाद दानियल के यहोवा की, दानियल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की महिमा हो, आपको खड़ा रहने की जरूरत है आपकी परीक्षाओं में। आमीन। तब मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई जो आपको परीक्षा से आपको बाहर निकलते हुए देखेगा, वो खुद आपको बोलेगा आज मेरी जिंदगी में भी परीक्षा ही ऐसा है। परीक्षा नाम की ही कोई चीज है जो तेरी जिंदगी में आई थी, जिस तरह तू निकल गया आज उसी तरह मेरे को बाहर निकलवा। इसका मतलब ये है कि आज हम अपने अपने आप को मौका दे सकते। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आए, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में जो बंधन है वो खत्म हो, हालेलुया। अपने आप को मौका दे, अपने आप को बोले मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा रहूंगा, मैं परीक्षाओं में खड़ा रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं, चाहे मुझे बीमारी आ जाए, बैठे बैठे बीमारी आ जाए, मैं दूर नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ उस वचन को जहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा जो मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा, चाहे चर्च में आके बैठ के गवा दे, चाहे अपने घर में बैठ के गवा दे, मेरी खातिर किसी बैंक बैलेंस के खातिर नहीं, किसी इंसान के खातिर नहीं, किसी फोन के खातिर नहीं, किसी इंटरनेट के खातिर नहीं, मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा, वो गवाएगा नहीं, दानियल की तरह प्राप्त करेगा। हालेलुया। इसके राजा की तरह प्राप्त करेगा। आमीन। पत्रस की तरह जेल से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। अगर परीक्षा में खड़ा रहेगा तो। आमीन। आमीन। अगर परीक्षा में नहीं खड़ा तो क्या होगा? कुछ लोग सुने आखिरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, शेर की गुफा में डर गिर जाते हैं, गलती से भागने लग जाते हैं और शेर उनको खा लेता है, खत्म कर देता है, मार देता है। हालेलुया। और कुछ लोग शेर को पिंजरे में देख कर मर जाते हैं, गिरते तो है नहीं अभी अंदर, शेर अभी पास नहीं आया होता, वो देख कर ही मर जाते डर के। कैसी चीज है, पास से तो ज्यादा ही डरावनी। आपकी परीक्षा ही ऐसी, अगर कमजोर हो तो देखकर ही खत्म हो जाओगे। दूर से देख लोगे, चार पांच हफ्ते मैंने सोचा था प्रभु की महिमा करनी है, और शैतान बड़े जबरदस्त तरीके से खड़ा है, और शेर की खाल से कोट बना कर लेकर आते हैं बार। वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, वो यहोवा पर विश्वास कर रहे हो। आज आप शेर की गुफा में गिरे हुए हो, पर वही परमेश्वर आज आपके साथ है जो दानियल को जिंदा बाहर लेकर आया था, उसी की तरह बाहर आए। हालेलुया। पर ऐसे दूर दूर से लेकर मैं डर शेर को कि वो आने वाला शैतान की महिमा करते रहते, शैतान नहीं चलने देता है, शैतान नहीं चलने देता है। हालेलुया। अरे इधर लौट, शैतान उसको बोल रहा होगा ना, मेरे से ज्यादा तो तू चलने देता है। हालेलुया। कह रहे शैतान भी आजकल आराम करता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल शैतान में ना आजकल कौन सा दिन चल रहे हैं, वो ठंड वाले, आजकल शैतान भी कॉफी पीता है गर्म, पहले तो उसके पास टाइम नहीं होता था, आजकल पीता है, कह रहे गर्म हॉट कॉफी। कह रहे दूसरा शैतान आया, कह रहे कॉफी को भी जाए क्या, तुझे पता नहीं काम बड़ा, इतने लोगों को बर्बाद करना, कह रहे देख लोग अपने आप कहीं जा रहे हैं, हमें आजकल छुट्टी बीच बीच में मिल जाती है ना। करे मेरे से ज्यादा, करे वो शैतान बोल रहा है, करे सही बात है, मैंने किसी बंदे के ऊपर एक साल लगाया फिर उसको बर्बाद किया, करे एक बंदा मेरे पास था, एक वो बंदा मेरे को कहता एक साल का मैं एक दिन में बर्बाद करके लगा था, एक रात में बर्बाद कर देते लोगों को अपने आप को भी। हालेलुया। एक रात में बर्बाद हो जाते हैं। शैतान कह रहा मेरे को एक साल लग गया, ये बंदे ने एक दिन में कर दिया। शैतान कहते चलो कोल्ड कॉफी बना के लाओ, है ना। आजकल गर्मियां आने वाली है, गर्मियों में अगर यही हालात रही ना बहुत सारे लोगों की, उनके घरों में, उनके जीवनों में, हमारी जिंदगी में नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हमने तो शैतान को पैरों के नीचे यीशु के नाम में लिया हुआ है। आमीन। हालेलुया। पर सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर ने मेरे को पिछले दिनों में एक बात बोली। हालेलुया। बोल रहा है प्रोफेसी मेरे को दी परमेश्वर ने खास है। हालेलुया। बोल रहा है, कह रहे कोई इंसान, हालेलुया, कह रहे कोई इंसान तेरे को गिराएगा नहीं,
बोल रहा है कोई मनी तेरे को गिराएगी नहीं, हलेगा कोई मनी तेरे को अपने दीन नहीं कर पाएगी, कोई इंसान को तेरे को दीन नहीं कर पाएगा, कोई शैतान तेरे को दीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे को अपने लव से खरीद लिया है। हलेगा अपने आप को प्रार्थना में
प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में मौका दूंगा, मौका दूंगा, अपने मुंह से, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने हाथों से, अपने मन से, अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिल से उसकी महिमा करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। आमीन, आमीन। आपको बता रहा हूँ, प्रोफेसर करा परमेश्वर अपनी पूरी शक्ति से आपको प्लस बता रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, अपनी जिंदगी में स्टैंड होने के लिए।